गाते बोले नहीं, ये कमल पुष्पों के ऊपर रखे, उसको बोले शंख के ऊपर में चक्र, अगर ये कहीं फेल हो गया तो। इसलिए भगवान चौथा में गदा को घुमा घुमा करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र को निस्तेज किया और उन्होंने भगवान श्री परीक्षित महाराज को उनको उतरा के गर्भ में ठाकुर जी रखा जी। और वो जन्म जब हुए गर्भ में ठाकुर का दर्शन किए थे, सबको परीक्षा कर रहे थे, फिर प्रभु कहाँ गए, जिनको हमने गर्भ में दर्शन किया किया था वो सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, श्री परीक्षित नाम पड़ा। बोले श्री परीक्षित महाराज की, मतलब भागवत ग्रंथ का वक्ता जितने उन्नत है श्रोता भी कम उन्नत नहीं, जो भगवान की गोद में खेले, पांडव की गोद में जो लालन पालन हुए, दोनों ही सर्वश्रेष्ठ। इसलिए जब जब भगवान जाने के लिए तैयारी होते थे अपना द्वारका में, पांडव लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे, उनको जाने ही नहीं देते थे। एक दिन माता कुंती भगवान की स्तुति कर रही थी, बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्र। देखो भगवान को क्या कह रहे हैं, सबके सब भगवान को कमल फूल के साथ में उदाहरण दिया। भगवान का हाथ कैसे है, हस्त कमल। भगवान का नाभि कैसे, नाभि कमल। भगवान के नेत्र कैसे, नेत्र कमल। भगवान के मुख कैसे, मुख कमल। भगवान की चरण कैसे, चरण कमल। सबको कमल 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 को साथ में उदाहरण दिया। बोले क्यों, बोले जैसे कमल फूल देखने में बड़ा सुंदर है, कमल फूल देखे हो आप लोगों ने, देखने में बड़े सुंदर, बड़ा खुशबू है, उसी तरह जो भगवान का जो दर्शन करोगे ना, भगवान बड़े सुंदर है ठाकुर जी, हर समय प्रभु से खुशबू निकलती है, इसलिए उनको कमलों के साथ में उदाहरण दी। बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले हे कृष्णा, जगत में ये जो कृष्ण स्वरूप को जो भजन करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले देवकी श्री वसुदेवाय। भगवान का एक नाम वासुदेव है, क्यों, श्री वसुदेव का पुत्र है। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले श्री वसुदेव महाराज। बोले क्यों, कृष्ण कौन है, वो जगतपति जगन्नाथ है, सारा दुनिया को तुमेव माता च पिता तुमेव, लेकिन उन्होंने पिता किसको बनाया, श्री वसुदेव महाराज को बनाया। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले देवकी नंदनाय च, उनसे श्रेष्ठ माँ देवकी। बोले क्यों, उनको गर्भ में कौन धारण किया, विश्व ब्रह्मांड तो उनकी गर्भ में, लेकिन उनको गर्भ में किसने धारण की, माता देवकी। मतलब है कहते पिताजी से माता का ज्यादा सौभाग्य है, क्यों, बच्चे को गर्भ में कौन धारण करती है, माताएं धारण करती हैं, उनको जन्म कौन देती है, माताएं देती हैं। आप देखना जैसे पिता बच्चे को गोद में धारण किए, अगर बच्चा पेशाब और टाटी कर दिया, बच्चा पेशाब टाटी कर दिया, फिर पिताजी क्या करेंगे बताओ तो, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम माता को दे देंगे, बोले तुम ले लो, अभी तक तो पकड़ रहे थे, लेकिन पेशाब टाटी कर दिया तो मैया को दे देंगे, बोले तुम लो, लेकिन जब साफ कर देगी फिर क्या होगा, फिर पिताजी गोद में लेती है। इसका मतलब है पिताजी की जितने सौभाग्य है ना, उससे ज्यादा सौभाग्य किसकी है, माता की सौभाग्य ज्यादा है। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले नंद गोप कुमाराय, उनसे श्रेष्ठ है श्री नंद बाबा और मैया जसोदा। बोले क्यों, बोले कृष्ण मथुरा में तो प्रकट हुए, लेकिन उनको पल्ले में झुलाया किसने, उनको स्तन किसने पिलाया, अंगुल पकड़ करके उनको ठुमुक ठुमुक करके चलाना किसने सिखाया, जसोदा और नंद। इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले उनसे श्रेष्ठ है ये ब्रज की गोपियां, जिनको साथ में भगवान रास लीला किया है, रास रचाया। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले श्री राधा रानी। बोले जिनकी चरण को ये ब्रज की गोपियां भी जिनकी चरण की सेवा करती हैं।
बोले श्रीमती राधा रानी इसे जब माता कुंती स्तुति कर रही थी इतने में कृष्ण ने कहा बुआ जी आज तो तू उल्टा गंगा बहा रहे हो, मैं तो भतीजा तुम्हारी। बोले यही तो तुम्हारी माया है कन्हैया, किसको मैया किसको भैया किसको बुआ बना दिया, लेकिन दुनिया का मालिक तो तू हो। कृष्ण ने कहा ठीक है बुआ जी, तुम्हारी मन में आज जो कुछ इच्छा है ना मेरे से मांग लो। देखो मैया कुंती क्या कहती है, बोले कृष्ण अगर तू मेरे को देना चाहते है ना, उनने झोली फैला दी। बोले मेरे झोली में विपत्ति संतु में साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु, मेरे झोली में दुख दे दो। बोले बुआ जी सारा दुनिया मेरे को सुख चाहते हैं, तू दुख मांग रहे हो क्यों? बोले कृष्ण कारण है, बोले सुख के मात सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बली हरि वह दुख को जो पल पल नाम जपाए। हैं बोले सुख में भगवान को भूल जाते हैं, बोले दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का है। आप लोग बताओ, आपके फिर प्रश्न करता हूं, आप ठीक से बोलो झूठ नहीं बोलना। ये बताओ सुख में हम ज्यादा प्रभु को याद करते हैं ना दुख में? बताओ बोलो, सुख में करते हो ना ज्यादा दुख में करते हो? हाँ, सब के सब दुख में हम सुमिरन करते हैं। इसलिए कुंती कहती बोले प्रभु चार व्यक्ति है ना तेरे भजन नहीं करेंगे। देखो ध्यान दे करके, बोले चार व्यक्ति तेरे भजन नहीं करते हैं। बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री रेदमान मद अपमान। बोले ये चार व्यक्ति बड़े घमंडी होते हैं। पहला जिसको पास में ज्यादा पैसा हो जाए, उनको ज्यादा, जिसको पास ज्यादा पैसा है ना उनको कथा में सत्संग में कई क्षेत्र में नहीं देखोगे उनको। अगर वो आए ना, वो आए और झट गए, उनके लिए तो टीवी है, शराब का दुकान है, आटा खाना उनके लिए सबके सब स्थान है। इसलिए भगवान, इसलिए मैया कुंती दुख चाहती है। पहला नंबर है जिसको पास में ज्यादा पैसा हो, घमंडी आ जाती है। की क्या चीज है हमारे पास में, किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं। अरे सत्संग में जो फक्कड़ बेकार का लोग वही जाते हैं। इसलिए कुंती कहती प्रभु ये ज्यादा तेरे पास में नहीं आएंगे, ज्यादा पैसा दिया मतलब है कि तुमको वंचना कर दिया। हाँ अगर पैसा हो, अगर प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, समझना भगवान की उनके ऊपर में बहुत बड़ी कृपा, ठाकुर जी की ज्यादा कृपा उनके ऊपर में, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। किसी व्यक्ति को बोलो भागवत कथा हो रही है आओ, बोलेगा हम बिजी है। बोले क्यों बिजी है? पैसा कमाने को बिजी है, इसलिए कथा, मतलब भगवान उसको सत्संग से दूर कर दिया, पैसा देकर उसको दूर कर दिया, पास में नहीं लाए। इसलिए बोले जन्म जिसको भाई हाई फाई कुल में जन्म हो जाए, अरे हम इतने बड़े कुल में जन्म हुए, ऐश्वर्य श्रुता मतलब होता है ज्ञान, ज्यादा लिखा पढ़ा हो जाए ना, अरे हमारे अंदर में किस चीज की कमी, हमें कोई जरूरत नहीं। श्री जिसका थोड़ा चमड़ा सुंदर हो जाए। कुंती कहती है प्रभु ये चार तरह का व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे। बोले नमो अकिंचन बिताय निवृत गुण वृत, तुम तो अकिंचन का, हाँ अकिंचनों का दुखी, हाँ दीनहीनों का तुम धन हो, दीनहीनों का तुम धन हो। बड़ी सुंदर कुंती मैया ने स्तुति की। अभी पितामह भीष्म भी सरसज्जा में लेटे हुए, इनकी अंतिम इच्छा ठाकुर को दर्शन करते करते उनका नाम को लेते लेते अंतिम श्वास त्याग करना चाहता हूँ। ठाकुर वहां पर भी गए, पितामह भीष्म को उन्होंने दर्शन दी और प्रभु का दर्शन करते करते उन्होंने अंतिम श्वास को त्याग दी। सारे देवता लोग आश्चर्य हो रहे थे। बोले जनामा जनामा मोनी जग न कराए, जनामा जनामा मोनी जग न कराए, जनामा जनामा मोनी जग न कराए, जनामा 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 मोनी
जब अंतिम स्वाग त्याग करते हुए देवता लोग इतने प्रसन्न हो गए, देखो साक्षात भगवान कृष्ण खड़े दर्शन करते करते ठाकुर का नाम लेते लेते अंतिम श्वास त्यागी, सारे देवता लोग पुष्प की बौछार करते हैं और पितामह भीष्म की जयकार लगाए। बोले श्री पितामह भीष्म की। अभी कृष्णा एक दिन बोले, देखो अभी हमें विदाई दो, द्वारका भी आपका ही राज्य है। अर्जुन को श्री युधिष्ठिर महाराज बोले जा कृष्ण को द्वारका में छोड़ करके आओ, 4 महीना हो गया 7 महीना हो गया अभी तक वो वापस नहीं आ रहा है। एक दिन युधिष्ठिर महाराज बड़े अपशकुन देखे, देखो कलियुग कैसे प्रारंभ हो गई, कलियुग का पहला उन्होंने चिन्ह देखा, क्या देखा? हाँ ध्यान देकर सुना, 2 किसान लड़ते लड़ते आए। लड़ने का कारण क्या था? बोले एक किसान ने दूसरे किसान को जमीन बेचा था, जब दूसरे किसान खेती कर रहा था खेती को अंदर से एक सोने की कलसी निकली और जिसको उसने बेच दिया था, उसने वो कलसी लेकर के जो बेचने वाला के पास में आया, बोले देख तुमने मेरे को जमीनी बेचा था लेकिन ये सोने की कलसी नहीं बेचा, ले इसको ले ले। जिसने बेचा था बोले भैया जब मैं तेरे को बेच दिया सब कुछ तेरा, तो मेरे को क्यों दे रहे हो? मेरे को नहीं चाहिए, तू रख। अभी वो सोने का कलसी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं, इसलिए दोनों लड़ते लड़ते राजा के पास में आए, युधिष्ठिर महाराज को। राजा कोई बिजी थे, बोले देखो कल आओ विचार करूंगा, लेकिन फिर कल दोनों ही लड़ते लड़ते आए। बोले क्यों? जिसने बेचा था वो कह रहा है मेरा, और जिसको बेचा था वो कह रहा है मेरा। एक दिन पहले तो कोई लेना नहीं चाह रहा था, दूसरे दिन दोनों ही लड़ रहे लेने के लिए। युधिष्ठिर महाराज सोचे ये क्या हो रहा है, एक दिन पहले एक दिन बाद में, इसका मतलब है एक दिन पहले तक भगवान कृष्ण थे इसलिए जगत में धर्म पूर्ण रूप में था, लेकिन भगवान एक दिन बाद में भगवान संसार त्याग कर दिया इसलिए घोर कलिजुग आ गया। और कलिजुग का यही लक्षण है, जहां पर केवल भाई भाई में लड़ाई, बहु बहु में लड़ाई, पड़ोस में लड़ाई, देश देश में लड़ाई, मन मन में लड़ाई, इसलिए वो समझ गए कुछ अपशकुन है। इतने में देखा अर्जुन को आते हुए एकदम चेहरा लटका हुआ था, बोले अर्जुन क्या हो गया? बोले भैया भगवान कृष्ण जगत छोड़ करके चले गए। आपको याद है भगवान कितने विपत्ति हमें भगवान हमें रक्षा की थी, ये द्रौपदी को जितना कोई साधारण बात नहीं था। द्रुपद राज का प्रतिज्ञा थी नीचे रहेगा तेल की कढ़ाई, ऊपर में मछली घूमेगी, परछाई को देख करके निशान उसको आंखों में लगाना पड़ेगा, जो काम कोई नहीं कर पाए जो काम मैंने किया था। आपको याद होगा ये शकुनी कपट जुआ खेल करके सब कुछ आपसे ले गया, जब सब कुछ हार गए बोले आपके पास में सबसे बड़ा संपत्ति है, बोले कौन? बोले द्रौपदी। उन्होंने द्रौपदी को भी उन्होंने जुआ में लगा दी, जब उन्होंने हार गए इतने में दुर्योधन ने कहा दुशासन द्रौपदी अभी राज रानी नहीं, हमारी नौकरानी, जाओ पकड़ करके ले आओ। उसी समय द्रौपदी रजस्वलावस्था में थी, केस को पकड़ करके घिसटते घिसटते ले आए भरी सभा में। दुर्योधन ने कहा इसको नंगे करके मेरे चंगे ऊपर बैठा दो। इतने में द्रौपदी उसने दोनों हाथ उठाते हुए हे गोविंद राज शरण अब तक जीवन हारी, जब दोनों हाथ को उठा करके भगवान को बुलाए, कृष्ण स्वयं वस्त्र बन करके आगे प्रकट हो गए। बोले 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई लेकिन 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गई दुशासन की। साड़ी 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 दुनिया देख रहे थे, साड़ी की कोई नारी ना नारी बीच कोई साड़ी है। आपको याद है ठाकुर जी हमें कैसे बचाए? बोले हमको सब कुछ बात याद है। बोले आज प्रभु ये दुनिया छोड़ करके चले गए। इतना सुनते ही जो कुंती थी ना उसकी कृष्ण गत प्राण था, देखा जब भगवान कृष्ण ही नहीं रहे रह करके क्या लाभ है, उसी समय उसने प्राण त्याग की। पांडवों ने देखा जब भगवान कृष्ण चले गए फिर हम क्या करेंगे, उन्होंने श्री परीक्षित महाराज को राज सिंहासन में अभिषेक करके पांडव भी महाप्रयाण में चले गए। जब श्री परीक्षित महाराज राज्य तो कर रहे थे, एक दिन उन्होंने
बड़ी अपशगुन को उन्होंने देखा, बड़े अपशगुन को उन्होंने देखा। एक दिन उन्होंने अपना सैन्य सामंत को लेकर के घूमने के लिए गए, मेरे राज्य में कहां अमंगल हो रही है। उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा, एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है और एक बैल उसका तीन प्यार नहीं वो एक प्यार के ऊपर खड़ा हुआ, और एक शूद्र राजा वो एक प्यार को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, वो बैल विष्टा मूत्र को विसर्जन कर दे रहा था। परिखित महाराज को बड़ा क्रोध आया, मयान से तलवार निकाले उसको मारने के लिए झपट पड़े, लेकिन वो था साक्षात कली। परिखित महाराज बड़े प्रतापी थे, सीधा इनके चरण में लेट गए, बोले बताओ ये गैया कौन है। बोले ये पृथ्वी है। बोले गैया क्यों रो रही है। बोले भगवान कृष्ण संसार छोड़कर चले गए, अभी ये कलियुग आएगा, कलियुग का लोग बड़े पाप कर्म करेंगे, ये पाप को मैं कैसे सहन करूं, इसलिए पृथ्वी रो रही है। बोले ये तीन प्यार कहां गया इसकी, ये कौन है। बोले ये धर्म है। बोले इसका तीन प्यार गया कहां। बोले सत्य तृतीया द्वापर कली, तीन युग है, अभी सत्य तृतीया द्वापर चली गई, कलियुग केवल एक धर्म दान के ऊपर में खड़ा हुआ है, और ये कौन। बोले ये साक्षात कली। बोले ये क्या कर रहा है, वो एक टांग को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, मतलब ये कलियुग में कोई धर्म कर्म रहने में नहीं दूंगा, धर्म को संपूर्ण समाप्त कर दू, इसलिए ये तोड़ रहा है। परिखित महाराज ने कहा, कली जब तक मैं रहूंगा तुम यहाँ रह नहीं सकते, मेरे राज्य से तू चला जा। बोले प्रभु जाऊं कहां, अभी ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में आपका राज्य है, जहां जाता हूं आपको वहीं पर मैं देखता हूं, धनुष धारण करते हुए आप खड़े हुए हो, जब आप सबको स्थान दिया आप मुझे भी स्थान दो। अभी श्री परिखित महाराज सोच रहे हैं, अगर ये कलियुग को स्थान देता हूं मेरे देश में लाभ किया और नुकसान किया है। उन्होंने देखा यद्यपि ये कलियुग पाप का युग है, यहाँ पर तो नुकसान ही है, लेकिन एक लाभ भी कलियुग में। बोले एक लाभ क्या है। बोले कलियुग के बलना मां आधारा, कलियुग के बलना मां में दोष ही दोष है। एक गुण किया है, भगवान के नाम अगर थोड़ी सी कोई ले लेना बस बेड़ा पार हो जाए कलियुग में बेड़ा, इसलिए उन्होंने कलियुग का स्थान दिया। हाँ देखो अभी ध्यान दे कर सुनो, जो ध्यान देने का चीज है, उन्होंने कली को चार जगह पर स्थान दे दिया। अगर कलियुग में केवल चार नियम को कोई पालन कर ले और थोड़ी सी प्रभु का नाम ले ले बेड़ा पार हो जाए। उदाहरण दिया, जैसे आपको कोई बीमारी, आप कोई बढ़िया अच्छे डॉक्टर के पास में गए, सचमुच से वो डॉक्टर तुम्हारी बीमारी सही करना चाहता है, आपको धोखा देने नहीं चाहता, वो क्या बोलेगा। बोले देखो दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा है, लेकिन अगर परहेज व साथ में दवा लोगे ना जल्दी तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर वो पैसा लूटना चाहता है ना वो परहेज नहीं बताएगा, क्यों जानता है अगर परहेज के साथ में ये दवा लेगा तो बीमारी इसकी सही हो जाएगी, फिर वो दो बार नहीं आएगा, फिर पैसा कमाई नहीं होगी, वो परहेज नहीं बताएगा, वो केवल दवाई दे देगा। इसलिए भागवत में कलयुग में सबसे मीठी दवा है भगवान का नाम, भगवान का नाम यही दवा है। बोले परहेज क्या है। बोले चार चीज है, अगर हम चार चीज को पालन करते हुए थोड़ी सी ठाकुर का नाम ले हमारे कल्याण हो जाएगी। अब अभी ध्यान देकर सुनो, ये कली को उन्होंने कहां कहां पर चार जगह में स्थान दिया, केवल कलियुग में चार ही नियम ही पालन करो। कहते आप कलियुग में रहने पर भी आप कलियुग में नहीं आपका सत्य युग में निवास करोगे, इतने महत्व है। पहला नंबर है कली का दुतम। दुतम का मतलब होता है चूहा हमें नहीं खेलनी चाहिए,
ये जुआ सट्टा पट्टा ये नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर से क्या दिया, देखो मैं साक्षात धर्म स्वरूप हूं, ये जुआ खेल करके मेरी कितने सर्वनाश हो, राज्य तो गया, भाइयों को भी खोया, पत्नी को भी खोए, और लास्ट में हमें 12 साल तक जंगल में भटकना पड़ा और 1 साल हमें अज्ञात वास में रहना पड़ा और विराट राज्य में हैं युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है वो कंक का काम करते थे, पसा खेलते थे, सर्वश्रेष्ठ कदाधारी भीम करता था क्या, रोसैया का काम करता था, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन क्या करता था, ब्रिहनला बनकर के नृत्य सिखा देता था, नकुल सहदेव जो सर्वश्रेष्ठ तलवार दुर्जमे वो घोड़ा साला देखभाल करते थे, मतलब कितने ऊंचे से कितने नीचे उतर गए, बोले खबरदार कभी ये जुआ में हाथ मत लगाया करो, अगर इतने दुर्दशा भोगना तो तभी जुआ खेलो, नहीं तो जुआ में हाथ मत लगाया करो। इसलिए धर्म का पहला चरण है सत्य। आप देखना जो जुआ खेलते हैं वो कभी सच बोल ही नहीं सकते हैं, वो झूठ गोबर में झूठ, हाँ कल पैसा दे दूंगा, आज थोड़ा पैसा हमें उधार दे दो, कल केवल झूठ झूठ बोलते हैं। धर्म का पहला चरण खत्म। दूसरा है पानम। पानम का मतलब होता है किसी तरह का नस्ली वस्तु व्यवहार मत करो, नस्ली वस्तु में पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब ये सब चीज हमें नहीं लेनी चाहिए। देखो संत लोग कहते हैं जो शराब पीने वाले हैं ना उनका 3 लाभ है, कितना लाभ है, कितना लाभ है शराब पीने वालों का, बोले 3 लाभ क्या है, बोले पहला लाभ है शराब पीने वालों का वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होगा, बोले दूसरा लाभ क्या है उसकी घर में चोरी नहीं होगी, बोले तीसरा लाभ क्या है, बोले कुत्ते उसकी दोस्त बनेंगे, बोले भैया इसका मतलब क्या है, पहला लाभ क्या है वो बूढ़ा नहीं होगा, बोले बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहे तभी तो बूढ़ा होगा, और तो पीपा करके मैं जाता हूँ रसिया में प्रचार करने के लिए जाता हूँ, वहां देखता हूँ ज्यादा बूढ़ा नहीं और वहां पर लड़की लड़की ज्यादा ही ज्यादा लड़कियां हैं, मैंने पूछा भैया यहाँ बूढ़े सब कहाँ गए और इतने लड़की कहाँ, इतने लड़कियां क्यों, बोले यहाँ के बचपन से शराब पीना शुरू करते हैं और शराब पीते 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 कम उम्र में आधा उम्र में खत्म हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर नंफुस का ज्यादा तो है, शराब पी 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 करके आंत गल जाती है, कम उम्र में खत्म हो जाती, इसलिए ज्यादा यहाँ पुरुष नहीं है, है? और दूसरा लाभ क्या है, घर में चोरी नहीं होगी, बोले चोरी कम होगी, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो सारे गहना फहना तो बेच बाच कर पी पा करके वो खत्म कर देगा, पर ये चोरी कहां से हुई। और तीसरा लाभ क्या है, कुत्ते दोस्त बनेंगे, कहीं पी पा करके मेन रोड में पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर मुंह चाट जाएंगे नहीं तो पेशाब कर जाएंगे, इसलिए ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। आप लोग भी हैं, आप लोग भी कोशिश करना जैसे बच्चे कभी ये गलत रास्ता पर नहीं जाए, अगर बेटा नहीं तो पति अगर घर में शराब पी करके आता है क्या होगा बताओ, घर का स्थिति सही रहेगी, वो घर ध्वंस है, वो घर घर नहीं रह जाएगी, इसलिए कभी भी शराब का नाम नहीं लेनी चाहिए। भागवत में पंचम स्कंध में हम कल सुनेंगे जो शराब पीते हैं मरने का बाद सुखदेव गोस्वामी कहते लोहे गला करके उसको मुंह में डालते, बोले दुष्ट भगवान तेरे को मुंह दिया था कीर्तन करने के लिए ना शराब पीने के लिए तेरे को मुंह दिया था, हाँ इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। हाँ इसलिए दूसरी नंबर है, इसको पीने से क्या होता, बोले तपस्या नष्ट हो जाती है, तपस्या कब करेंगे, भक्ति कब करेंगे, जब धीरज हो मन स्थिर हो, ये सब चीज पीने पर मन चंचलता रहती है, मन चंचलता रहती है, फिर आप भजन कैसे करोगे, भक्ति कर ही नहीं सकते हो, यहाँ पर नष्ट हो जाती है। हाँ देखो आप बुरा मत मानो, चाय भी नहीं पीनी चाहिए, चाय भी आप बोलोगे भैया चाय में क्या दोष है, क्या चाय पत्ते में कोई दोष नहीं, चाय पत्ते में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसमें एक निकोटिन डालते हैं, एक कफीन एक निकोटिन होता है। हाँ देखो पहले ये अंग्रेजियों ने हमें कैसे गुलाम बनाया, ये चाय भारत में कोई नहीं पीते थे।